दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे वर्सल वाटर हीटर रिपेयरिंग के लिए आया है। चलिए उसको रिपेयरिंग करके दिखाएंगे कैसे रिपेयरिंग की जाती है, कैसे बनाए जाते हैं। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। ये मर्सन है, यहाँ से तार फॉल्ट हो गया है, तार यहाँ से टूट गया है। इसको खोलेंगे, खोल के नए सिरे से जोड़ेंगे तार को। चलिए खोलते हैं। खोलने के बाद दोस्तों इसको वायर चेक करेंगे, वायर चेक करने निकाल देंगे इसको। वायर पूरी तरह से अंदर से जल गया है, यहीं से नया तार लगाएंगे। पार्ट निकाल देते हैं। काट के निकाल के वो पॉइंट साफ कर लेंगे चाकू से। अच्छी तरह से साफ कर लें ताकि कार्बन वार्बन हट जाए, पानी की वजह से कार्बन आ जाता है। उसके बाद सिरे से चेक करेंगे। सिरे पे देखेंगे कि ओके है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि डाट शॉर्ट हो गया है, ये ओके है, ठीक चल रहा है। ओके है। बिल्कुल ओके है। डायरेक्ट लाइन पर लगा देते हैं, ठीक है। गर्म हो रहा है, इसको यहाँ से तार यहाँ काट देंगे। तार को यहाँ से लगा देंगे। तार को अच्छी तरह छील लें। तार को यहाँ से मोड़ देंगे, अच्छी तरह को टाइट कर देंगे। अभी खुलेंगे, दूसरा वाला भी इसी तरह मोड़ देंगे।
दोस्तों वास्ते अच्छी तरह लगा दें ताकि टायर शॉर्ट वायर आपस में शॉर्ट ना करें। उसके बाद इसको स्क्रू टाइट कर देंगे। बस देखते रहिएगा दोस्तों कैसे कैसे करते हैं, वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगी दोस्तों। पुराना वाला वायर इसी में जोड़ देंगे, जोड़ के अच्छी तरह टेप लगा देंगे। इसको आपस में जोड़ के अच्छी तरह जोड़ लेंगे, उसको टेप मार देंगे। बारी बारी इस तरह जोड़ के टेप लगा देना। टेप जितना अच्छी तरह रहेगा दोस्तों उतना फ़ायदा रहता है। पानी वाला आइटम है, इसको चेक करेंगे फ्रिज पे, डायरेक्ट लाइन में देखें तो पता दिखेंगे। बस एक आध 2 सेकंड में चेक हो जाता है, वो हीट हो जाता है, ये तैयार हो जाता है। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरह से हम आपको आगे भी वीडियो लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।